हाय गाइस कैसे आप लोग राइट द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन मेंशन बिलो ना गाइस लेफ्ट हैंड साइड पे जो ये प्रोडक्ट है इसको हम एसिटो एसीटिक एस्टर बोलते हैं या शॉर्ट फॉर्म में ए ई या दूसरा नाम है इथाइल एसिटो एसिटेट या ई ए ए शॉर्ट फॉर्म में बोल देते हैं इसे एसिटो एसिटिक एस्टर या इथाइल एसिडो एसिटेट क्योंकि एक एस्टर पार्ट है और ये एक इसका एसिटो पार्ट हो गया जैसे एसिडिक एसिड बनता है इस तरह से अगर इसमें और गौर से देखूं तो ये जो गाइज ये जो दो सी डबल बोंड ओ के बीच में अगर एक ग्रुप जो ये रहता है सी एस टू इसको हम एक्टिव मिथलिन ग्रुप बोलते हैं जिसमें ये जो दो एच हैं दे आर हाईली एसिडिक हाईली एसिडिक गाइज इसलिए होते हैं क्योंकि तो सपोज जैसे मैं सी एस थ्री सी डबल वो ओ एक एच निकालूंगा तो जो नेगेटिव कार्बन आयन बनता है नेगेटिव चार्ज इसमें एक्स जो ये इसका जो रेजोनेंस है वो दो तरफ हो सकता है राइट सो रेजोनेंस की वजह से ये स्टेबलाइज हाईली स्टेबलाइज रहता है अगेन जब दूसरा एच निकालेंगे तब भी ज़्यादा चार्ज आ जाएगा सो so, जो ये नेगेटिव पार्ट है हाईली जो रेड्यूज़ हो जाता है इसका मैग्नीट्यूड ड्यू टू द रेजोनेंस इसकी वजह से जो ये एक्टिव मिथिलीन ग्रुप पे जो एच हैं ये हा आर हाईली एसिडिक नाउ रिएजेंट्स की बात करें तो जो सोडियम है गाइज सोडियम इज ए वेरी स्ट्रोंग रिड्यूजिंग एजेंट एक्चुअली बिकॉज जो इसका आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन रहता है सो so ये एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेना चाहता है स्टेबल नहीं होना चाहता राइट गाइज सो ये देखने के बाद जब ये रिड्यूस होता है जब सोडियम मेटल की रिएक्शन बेसिकली सी एस टू इस ग्रुप के साथ होगी क्योंकि हाइली एसिडिक है ये बहुत ईजीली एच निकल जाता है एसिड बेस रिएक्शन फॉलो होती है क्योंकि सोडियम है इसको इजीली रिड्यूज़ कर देता है राइट गाइज सो आगे के जो क्वेश्चन है सोल्व करता है सो so, गाइज जब ये हमारा रिएक्टेंट जो सोडियम से रिएक्ट करेगा तो एक एसिड बेस रिएक्शन होगी और जो एक एसिडिक एच है ये निकल जाएगा और हमारा कुछ इस टाइप से कंपाउंड बन जाएगा अगेन नेगेटिव ये एक सी नेगेटिव एक कार्बन आयन है और कार्बन आयन कैन आई गिव एसिड बेस रिएक्शन राइट एसिड बेस रिएक्शन दे सकता है या जो न्यूक्लियोफिलिक सब्सिट्यूशन एडिशन इस टाइप से कुछ रिएक्शन कर सकता है यानी जो कार्बन आयन है इट कैन आइदर एक्ट एज अ बेस या इट कैन आइदर एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल लेकिन गाइस हमेशा याद रखें अगर इन दोनों रिएक्शन में अगर आप प्रेफरेंस देखें तो प्रायोरिटी हमेशा एसिड बेस रिएक्शन को देंगे अगर एसिड बेस रिएक्शन इज पॉसिबल तो एसिड बेस रिएक्शन सबसे पहले होगी न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन तब होगी जब एसिड बेस रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल ओके गाइज सो आगे जो हमारा कार्बन आयन है इसकी रिएक्शन कराते हैं हम सी एच टू सी एच टू सी एच थ्री सी एच टू बी आर बी आर राइट गाइज नाउ अगर आप देखें क्या इसमें एसिड बेस रिएक्शन पॉसिबल है क्या आपको कोई एसिडिक एच दिख रहे हैं गाइज़ इसमें कोई एसिडिक एच नहीं है क्योंकि ये सारे जो कार्बन हैं, दीज आर एसपी थ्री हाइब्रिडाइज्ड और हमें है, जो एसिडिक कैरेक्टर है अगर इन हाइब्रिडाइजेशन का देखें तो एस जो हाइब्रिडाइजेशन है वो हाईली एसिडिक होती है देन एस पी टू एंड देन इट इज मोर एसिडिक देन एस पी यानी जो एस पी टू तो एस पी है वेरी रेयरली और वी कैन से नोट एसिडिक एट ऑल लेकिन बिकॉज इनकी जो और एस पी है वो हाईली एसिडिक करेक्टर रखता है क्योंकि गाइस क्योंकि इनका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है बहुत ज़्यादा है जो एसपी हाइवाइज पोजिशंस होंगी वे हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगी लेकिन ये जो बाकी की दो पोजिशन होती है बहुत ही कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है ना क्योंकि वी हैज सेड कि जो इस पोजिशन पर कोई एसिड बेस रिएक्शन पॉसिबल नहीं है तो अगर होता है ये इट विल एक्ट एज एक्टाजन न्यूक्लियोफाइल और ये इस पोजिशन पर अटैक करके एक जो बी आर निकाल देगा राइट इज तो अगर मैं देखूँ पहले स्टेप में एक एसिड बेस रिएक्शन हुई बिकॉज हाईली स्ट्रोंग रिड्यूसिंग नेचर ऑफ सोडियम अगेन इस केस में एस पी टू सॉरी एस एन टू मकैनिज्म फॉलो हुई ये निकल गया नाउ कुछ इस तरह से प्रोडक्ट बनता है नाउ गाइज अगेन इसकी जो रिएक्शन है सोडियम से कराई फिर से यानी अगेन एसिड बेस रिएक्शन अगर पॉसिबल है तो होगी यानी एसिड बेस रिएक्शन होगी इस क्योंकि ये हाईली रिड्यूसिंग एजेंट अगेन ये जो एच एक्टिव मिथिलिन ग्रुप एक एसिडिक एच है वो निकल जाता है और मेरा कुछ इस टाइप से जो ग्रुप है बच जाएगा कार्बन आयन बन जाएगा अगेन ना गाइस अगर आप इस कंपाउंड को गौर से देखें आप ये पाते हैं कि एक तो सपोज़ गाइज रिएक्शन रिए जो हमारा रिएक्शन है इसमें अगर मैं सपोज़ कोई दूसरा आर एक्स दूँ यानी हेलाइट दूँ क्या ये उस पर अटैक करेगा या इंटरनली जो आपका ये आर एक्स है आर एक्स मतलब जो हैलाइड्स हैं बी आर है उस पर अटैक करेगा गाइज अगर रिएक्शन जो होती है इस केस में दोनों से प्रिफर की, की जा सकती है लेकिन अगर इंटरमोलिकुलर रिएक्शन इंट्रा मोलिकुलर रिएक्शन पॉसिबल है तो हमेशा इंटर रिएक्शन पॉसिबल प्रीफर की जाएगी ये आप हमेशा याद रखें सो so, इसका मतलब अगर मैं इस कम्प इसमें देखूँ तो जो कार्बन आयन है वो इस बी आर पर अटैक करेगा अगेन क्योंकि एसिड बेस रिएक्शन कोई पॉसिबल नहीं है और ये इसको निकाल देगा राइट गाइज सो मेरा कुछ जो कंपाउंड है इस तरह का आंसर आ जाएगा और अगेन जो फाइनल स्टेप है उसमें आपने एक्वस क्यू एच के साथ रिएक्शन कराई राइट आइड्राइज एक्वस क्यू एच ग्रुप में जब भी आपका इस तरह का कंपाउंड होगा तो इसका हाइड्रोलिस होने के चांसेस है क्योंकि एक्वस मीडियम है और ये क्यू एच है ओ एच नेगेटिव जो ग्रुप है ये क्या करेगा कि ये हाइड्रोलाइज होगा और इस टाइप से आपका प्रोडक्ट बन जाएगा तो आपका जो फाइनल प्रोडक्ट बना गाइज़ वो किस हिसाब से क्या बना सी एच थ्री सी डबल वोन ओ सी और ये H जुड़ गैस पर सी एच और एक रिंग यहाँ पे, सी एच टू सी एच टू सी एच टू सी एच टू एंड ये राइट right गाइज ये आपका जो प्रोडक्ट है फाइनल बना अगेन ये जो ग्रुप है ये सी ओ टू गैस निकलेगी क्योंकि ये वाला जो ग्रुप है अगेन ई टी ओ एच ई टी ओ एच बना इथाइल एल्कोहल सो गाइज आई होप आपको समझ में आया होगा ये जो क्वेश्चन है ये वाला इसको हम ये एक टाइप के मिथाइल कीटोन है तो so हमेशा जब भी एसिड एसिड एस्थर है और इन टाइप के जो रिएक्टेंट है इसके साथ बनेगा तो हमेशा मिथाइल कीटोन्स बनते हैं जस्ट एफआईआई आपको बता रहा हूँ CO2 टू गैस निकली और इथाइल एल्कोहल बना सो गाइज़ आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी जो ये मैंने आपको क्वेश्चन दिया है गाइज़ ये बेसिकली प्रिपरेशन ऑफ कार्बोनिल जो कंपाउंड उसमें आ जाता है क्योंकि आपने इसमें एक टाइप के ए से यानी एक टाइप के एस्टर से कार्बोनिल कंपाउंड में कन्वर्ट किया आपको डायरेक्ट इसकी मैकेनिज्म पूछ सकते हैं रिएक् जैसे मैंने बताया या आपको डायरेक्ट रिएजेंट्स बताने में बता सकते हैं कि ए टू बी को कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं सो so गाइज़ जो ये रिएक्शन का नाम आपको एसिटो एसिटिक एस्टर सिंथेसिस है या इथाइल एसीटो एसिटिक इथाइल एसिटो एसिटेट सिंथेसिस राइट गाइज सो गाइज़ आई होप आपको ये समझ में आया होगा इसमें कुछ जो क्वेश्चन है आपको जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं आपको याद रखें समझ में आया समझ समझें और प्लीज़ गाइज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आई होंगी थैंक यू वॉचिंग बाय